इतना दान उसके पास हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आज मैं आया हूँ जमा मस्जिद पुरानी दिल्ली। इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है ये। गेट नंबर 2 से एंट्री करूँगा अभी मैं। इसका 3 गेट है जामा मस्जिद का। 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट, मतलब इस साइड का गेट जो पूर्वी साइड का गेट है उसको मुगल बादशाह लोग, मुगल के करीबी लोग यूज करते थे, वहीं से आते थे। और ये 2 नंबर गेट है, यहाँ से आम आदमी लोग आते थे। इसको मुगल बादशाह शाहजहां ने 1644 से 1656 के बीच में बनाया था। और इनका पहला इमाम था सईद अब्दुल गफूर शाह बुखारी, जो उज्बेकिस्तान के थे, उज्बेकिस्तान बुखारा का रहने वाला था। और इसको डिज़ाइन किया था, मतलब आर्किटेक्ट था इसका उस्ताद अहमद लाहौरी। इनके इंतकाल के बाद उस्ताद खलील ने इसको पुराया किया था। इनको 5000 लेबर ने इसको बनाया था। इंडियंस थे, अरब थे, पर्शियन थे, टर्क थे और यूरोपियन के कुछ लोग थे। मस्जिद में एंट्री कर रहा भाई। अल्लाहुम्मा ताली अबोबा रहमतिक, अल्लाहुम्मा ताली अबोबा रहमतिक। मस्जिद में एक साथ 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इतनी बड़ी मस्जिद है, ये 3 गुंबद है। ये जो मीनारे हैं इसका हाइट है आपको 40 मीटर। जो खाना है भाई यहाँ पे, आप भी जब खड़े हैं ना, ये जो खाना है ये बंद रखा है इसलिए यहाँ पे, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने ख्वाब में देखा
हमारे नबी जी यहाँ बैठ के वजू कर रहे थे, तो इसलिए इस जगह को घेर के रखा हुआ है ताकि कोई यहाँ पे बैठ ना पाए। ये शाही रॉयल एंट्री बोलता है इसको। इधर से मुगल बादशाह लोग आते थे, इधर आम आदमी लोग, इधर भी आम आदमी लोग आते थे। इसके आसपास के जो है सुनहरी मस्जिद है, चांदनी चौक है, अब्दुल कलाम आजाद के मकबरा है। इसको डिजाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, जो आपको पहले जैसे बताया मैंने। ये पूर्वी गेट है, मतलब ईस्ट साइड का, यहीं से शाही लोग आया करते थे, मतलब मुगल बादशाह लोग इधर से आते थे, यहीं से एंटर होते थे। तेईस जुलाई 1656 को पहला इमाम सईद अब्दुल गफूर साहब बुखारी ने इसको इनॉग्रेट किया था, जबकि राजा शाहजहां था, लेकिन इमाम से उन्होंने उद्घाटन करवाया था इसको। पहला रॉयल मॉस्क था ये। इसका एक हिस्ट्री भी है। इसी जगह से जुम्मा नमाज के बाद 23 अक्टूबर 1947 को अब्दुल कलाम आजाद ने भाषण दिया था और सारे हिंदुस्तानियों को, मतलब भारतवर्ष के लोगों को कहा था कि आप लोग इंडिया में रहे, पाकिस्तान छोड़ के ना जाए। हर जुम्मे नमाज के बाद मुगल बादशाह यहाँ पे खुतबा दिया करते थे। जमा मस्जिद को बनाने में लगभग 12 साल लगा था और इनका पहला नाम था मस्जिद जहानुमा। इसके बाद इसको जमा मस्जिद रखा गया और जैसा अभी इसको पुरानी दिल्ली कहते हैं, पुरानी दिल्ली में स्थित है। इस जगह का पुराना नाम था शाहजहानाबाद, आज इसको पुरानी दिल्ली कहते हैं। इनके आसपास रेड फोर्ट, सुनहरी मस्जिद, चांदनी चौक, अब्दुल कलाम आजाद के मकबरा और सेंट जेम्स चर्च। इसको डिजाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी। इनके डेथ के बाद उस्ताद खलील ने इसको बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी वही है जो लाल किला बनाया था और ताजमहल भी बनाया था। 12 साल इसको बनाने में लगा था और 5000 लेबर इसको लगा था बनाने में। इसका जो प्रेयर हॉल है 61 मीटर लंबाई है और चौड़ाई है 27 मीटर। जो मेन मीनर है इसका 40 मीटर हाइट है, जो गुंबद है इसका। जो पहला इमाम था उनका नाम था सैयद अब्दुल गफूर साहब बुखारी, उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। उज्बेकिस्तान में एक जगह नाम है बुखारा, वहीं से रहने वाले थे। शाहजहां ने बहुत ढूंढ ढूंढ के, पूरा ढूंढा ढूंढा, उसके बाद वहीं पे जाके उनको ढूंढ पाया, अहमद शाह बुखारी। बादशाह शाहजहां था, लेकिन इसको उद्घाटन किया था 23 जुलाई 1956 को पहला इमाम सईद अब्दुल गफूर साहब बुखारी। दूसरा इमाम अब्दुल सकूर साहब बुखारी। तीसरा इमाम का नाम था अब्दुल रहमान साहब बुखारी। चौथा इमाम का नाम था अब्दुल गफूर साहब बुखारी।
थानी, 5 नंबर अब्दुल रहमान साहब बुखारी, 6 नंबर अब्दुल करीम साहब बुखारी, 7 नंबर मीर जवान साहब बुखारी, 8 नंबर मीर अहमद अली साहब बुखारी, 9 नंबर मोहम्मद साहब बुखारी, 10 नंबर अहमद बुखारी, 11 नंबर हमीद बुखारी, 12 नंबर अब्दुल्ला बुखारी, 13 नंबर जो प्रेजेंट में है 14 अक्टूबर 2000 से अब तक अहमद बुखारी साहब। ये जो खाने बने हैं ये इधर से 1, 2, 3, 4, 5 उधर से भी 5 और बीच में एक, इसको बोलते हैं मेहराब। टोटल 11 मेहराब है, इधर 5 इधर 5, 11 मेहराब। मस्जिद की जो चौड़ाई है 27 मीटर है और लंबाई है आपका 61 मीटर। उसका सेंट्रल हॉल है और मेहराब के सामने चबूतरा बना हुआ है। जब मस्जिद में नमाज का टाइम होती है तब पर्यटक यहाँ पे नहीं आ सकते, बाहर वेट करते हैं। नमाज खत्म होने के बाद फिर पर्यटक आते हैं और हर धर्म के लोग यहाँ पे देखने आते हैं। और जब रमजान होते हैं इफ्तार के समय यहाँ पे जगह नहीं मिलती है, शाम का टाइम में मतलब 2-3 बजे के बाद लोग आ जाते हैं। लेडीज लोग के लिए नमाज पढ़ने के लिए साइड में बना हुआ है जगह, इधर साइड में दिखाता हूँ आपको, लोग नजदीक ले जाता हूँ। मीनार में जाने के लिए पहले टिकट लगता था 300 रुपीज, लेकिन अब बंद है, सुरक्षा कारण की वजह से बंद रखा है। इधर लेडीज बैठ के नमाज पढ़ते हैं। ये गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 1 है, इधर होटल करीम भी है।
अभी मैं मस्जिद के बाहर जा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। कुंडे करते बारे इन्होंने तुम्हारा कुंडे कुंडे बोल दो का जानू इस्लामपुर इस्लामपुर चपरा सोनापुर रामगंज विधाननगर कुंडे सुताली सुजाली रास्ता सुजाली। तो फ्रेंड्स जब मस्जिद का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें प्लीज़। शुक्रिया।